कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ देखी, यूएस में रहने वाली हमारे इंडिया की मनदीप कौर ने सुसाइड कर लिया। आपने भी ये देखा होगा क्योंकि बहुत वायरल थी। आज मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि उसके ऊपर बहुत सारे लोग बोल रहे थे यार उसके पति बहुत गलत कर रहे हैं, और बिल्कुल गलत किया है, बहुत ज़्यादा। लेकिन आप एक बात बताइए, आपके घरों में जितनी औरतें रह रही हैं, आप जरा सोचना कि क्या आप उसको प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं? आपके घर में छोटी छोटी बातों के थ्रू आप क्या उनको मानसिक प्रताड़ना नहीं दे रहे हैं? जो भी लेडी, जो हाउसवाइफ्स, वो सब जो सहन कर रही हैं और अपने माइंड में लेकर बैठी हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेती हूँ, मैं उनको एक बात बोलना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी को ख़त्म करने से सामने वाले पर कुछ नहीं होने वाला। जैसे हम बोलते हैं ना, केस रजिस्टर्ड होता है, बंदा जेल में जाता है। एक बात बताइए, जो दर्द यहाँ से फील किया गया है, उस चीज़ की सज़ा भला किसी कानून में लिखी है? नहीं। आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना आना चाहिए कि अगर किसी इंसान के साथ आपकी नहीं बन रही, वो टॉक्सिक इंसान के कारण आपकी ज़िंदगी बहुत लो हो रही है, आप बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर फील कर रही हैं, तो आप उसको छोड़ने का डिसीजन लीजिए। ना आपको समाज के बारे में डरना है, ना अपने पेरेंट्स, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, कैसे घर चलाऊँगी, क्या करूँगी, नहीं। क्योंकि आप एक औरत हैं जो मर्द को एक जन्म दे सकती है, उस मर्द से प्रताड़ना सहकर वो खुद को ख़त्म नहीं कर सकती। आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप ने आपको इसलिए बड़ा नहीं किया कि कोई और आपको परेशान करे, मारपीट करे, आपको हर दिन रुलाए, जानवरों जैसा बर्ताव करे, उसके बाद आप उससे परेशान होकर ज़िंदगी ख़त्म कर लें, उस माँ बाप की क्या हालत होगी जरा सोचिए। आपके पीछे जो आपके बच्चे छूटेंगे उनकी क्या हालत होगी, जब आज आपके रहते उनकी कद्र नहीं है, तो आपके जाने के बाद भला कौन उनकी कद्र करेगा? आप एक माँ हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को ऐसा भविष्य दें कि वो इन हालातों में ना जिए जो आज आप जी रही हैं और वो बच्चे भी झेल रहे हैं। अपने आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए, उन टॉक्सिक पीपल से दूर हो जाइए, और चाहे जो करना पड़े, लेकिन अपनी नज़रों से नज़र मिलाकर आप कह सकें कि मैं अपने बच्चों के लिए जी हूँ, मैं अपने लिए जी हूँ, मैं कभी गलत के साथ नहीं थी। वो कहने की आपकी हिम्मत हो और लाखों औरतें आपसे सीखें, ऐसा मिसाल बनकर दिखाना है। और आखिरी बात, जो आपसे दूर हो, जो आपको खोए ना, जो आज आपको टॉर्चर कर रहा है, वो आपको देखकर इतना पछताए कि मैंने क्या हीरा खो दिया, ऐसा बनकर दिखाना है। हार नहीं माननी किसी भी कीमत पर।